हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोइस सर्च लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th से जो आपका थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी का, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, उसके बेटा एग्जांपल्स करेंगे। देखिए बच्चों, मैंने जो इसका कॉन्सेप्ट है रेडियंस से डिग्री में, डिग्री के को रेडियंस में कन्वर्ट करने का, ये मैंने पहले ही करा दिया है। आप अगर मेरी प्लेलिस्ट में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 11th की, तो आपको पहला जो वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने आपको टाइप्स बताए हैं मेजरमेंट के सारे, उसमें मैंने पहले ही सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे हम डिग्री को रेडियंस में और रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। फिर भी आज भी हम यही चीज सीखेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे उसके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के जो एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1 वो आपके सामने मैंने लिख दिया है। देखिए क्या है, आपसे एग्जांपल नंबर 1 बोल रहा है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। ठीक है, आपको क्या करना है कि 40 डिग्री और 20 मिनट्स को, ये बेटा मिनट का साइन होता है, अगर एक डैश लगाए, अगर इसी की जगह दो डैश लगे हुए हैं तो वो सेकंड्स का साइन होता है। ठीक है, तो आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। करेंगे, देखिए कन्वर्ट तो करेंगे, लेकिन जो मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि क्या रिलेशन होता है वो बता देता हूं। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन होता है रेडियंस और डिग्री के बीच में। इसका प्रूफ भी मैंने कराया, आप मेरी पहली जब वीडियो देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। तो 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इतने डिग्री में बताना है कितने रेडियंस होंगे। अब थोड़ा पहले ध्यान से देखो, क्या ये पूरा का पूरा 40 डिग्री 20 मिनट जो दिया है ये पूरा डिग्री में कन्वर्टेड है? नहीं ना, अभी पूरा तो डिग्री में नहीं है, डिग्री और मिनट दोनों चल रहा है। तो पहले इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर डिग्री और मिनट में क्या रिलेशन होता है, तो बेटा मैंने बता रखा है 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लो चाहे डैश लगा लो, चलो 60 मिनट्स होते हैं 1 डिग्री में। तो यहां से पहले हम कन्वर्ट करेंगे, 40 डिग्री है और 20 मिनट है। ठीक है, कितना मिनट है, 20, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा 40 डिग्री 20 मिनट। बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि अगर 1 डिग्री में 60 मिनट है तो 1 मिनट में कितने डिग्री है, 1 मिनट में 1/60 डिग्री है ना, 1 मिनट निकालेंगे तो भाई 60 इसके नीचे ही तो आ जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट करना है। यानी कि हमको जब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, सीधी सीधी सी बात है। तो बेटा जब हम इसको भी यही करेंगे, 40 डिग्री जैसा चल रहा है चलने दीजिए, ये 20 मिनट है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया 40 डिग्री, और ये बेटा कट किया जाएगा 1/3 डिग्री। अब ये पूरा डिग्री में है, आपने छोटी क्लास में मिक्स्ड फ्रैक्शन तो पढ़े ही हैं, कन्वर्ट कीजिए 3 × 40 120 और 1 121/3 डिग्री, ये लीजिए। सभी को समझ में आया, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए, नाउ हमको जब पता है कि 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं, ये रिलेशन हमको मालूम है, तो बेटा 1 डिग्री में कितने होंगे, पाई अपॉन 180 रेडियंस होंगे कि नहीं होंगे? तो बच्चों अगर 1 डिग्री में उतने होंगे तो इतने डिग्री में कितने रेडियंस होंगे, 121/3 डिग्री में क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई तो करेंगे, सीधा सीधा सा फंडा है, हैं? एक चॉकलेट 5 रुपए की, तो 10 चॉकलेट कितनी, 50 की मल्टीप्लाई। तो अगर 1 डिग्री में इतने रेडियन तो इतनी डिग्री में कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए, 121/π और ये आपका आ गया 540 क्या रेडियंस। इसको पाई की ही फॉर्म में छोड़ते हैं बच्चों रेडियंस को, तो आंसर आ जाएगा 121π/540 रेडियंस, इसको पाई की ही फॉर्म में छोड़ा जाता है। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन, बिल्कुल समझ में आ गया कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने एग्जांपल नंबर 2 लिख दिया है।
बेटा अब आपको एग्जाम्पल नंबर टू में बोल रहा है कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर, आपको 6 रेडियंस को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। चलिए करेंगे। अब देखिए 6 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है। आपको अभी अभी मैंने क्या बताया था कि 180 डिग्री में पाई रेडियंस होता है ना, 180 डिग्री में। तो बेटा 1 रेडियन में कितना होगा, कहने का मतलब अगर पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है तो 1 रेडियन में कितना होगा, 180 अपॉन पाई डिग्री, सही है, 1 रेडियन में इतना डिग्री होगा। तो बेटा यहां पर हमको पता है, हम ऐसे करके लिखेंगे, वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, इतना डिग्री होता है। तो 6 रेडियंस में कितना होगा, 6 रेडियंस किसके बराबर होगा, सीधी सी बात है 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, डिग्री में। लेकिन एक बात याद रखिए, मैंने कॉन्सेप्ट जब बताया तब भी आपको क्लियर किया है कि बच्चों डिग्री में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको 3 चीजों में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड्स, ठीक है, डिग्री, मिनट और सेकंड्स। यानी कि यहां पर हम इसको पूरा पूरा सॉल्व करेंगे, पहले डिग्री में, अगर डिग्री में भी बचता है तो फिर मिनट में तोड़ते हैं, मिनट में भी बचता है तो सेकंड्स में उसको स्प्लिट करते हैं। तो बच्चों यहां पर ये पाई की वैल्यू दे रखी है, हम यहां पर पाई की वैल्यू को 22/7 पुट करेंगे, ठीक है, जब पूरा पूरा सॉल्व होगा। चलिए तो पुट करते हैं, 180/22/7 होगा, ये पाई या 22/7 होगा, 7 ऊपर चला जाएगा और 6 पहले से है ही है, ये पूरा बच्चों किस में आ रहा है, डिग्री में। ओके, 2 से 11, 2 से 3, बेटा जरा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 54 × 7, 18 × 3 = 54 किया, 54 × 7, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 37 × 3 = 78, और ये वाला 0 और अपॉन में 11, ये क्या आ रहा है बच्चों, डिग्री, 3780/11 डिग्री। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी ये बिल्कुल इसको डिवाइड करके अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। चलिए तो डिवाइड करते हैं, 11 से डिवाइड करेंगे 37 को, कितना, 11 × 3 = 33, 48 बचा, 11 × 4 = 44, 40 बचा, 11 × 3 = 33 डिग्री। आप कहेंगे यहीं पे लगा दिया आपने, क्यों, 11 × 3 = 33, 40 बचा था ना, कितना रिमाइंडर बच रहा है, 7। अगर किसी को डिवाइड करना नहीं आ रहा हो तो साइड में बता दूं, वैसे इसलिए मैंने मन में ही कर दिया क्योंकि डिवाइड करना है, बहुत बड़ी बात नहीं, आप भी जानते हैं, डिवाइड करके देखना रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7। तो 7/11 क्या, डिग्री। ऐसे ही करते हैं डिवाइड, ऐसे ही करते हैं। चलो अब देखो, जो मैंने आपको बताया था ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा इसको भी तो आगे सॉल्व करो, ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है फिर से। तो बच्चों इस डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि यहां से हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो × 60 करके मिनट लगा देंगे, गलत तो नहीं है, क्योंकि भैया 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये कितना आ जाएगा, इसको एक काम करो साइड में सॉल्व कर लो, जैसे 7 × 6 = कितना, 42, तो ये आ रहा है बेटा 420/11 क्या, मिनट, यही तो आ जाएगा 422/11 मिनट्स। अब इसको यहीं पहले डिवाइड करके देख लो, 11 × 3 = 33, ठीक है ना, 11 × 3 = 33 कितना बचा, 90, 11 × 8 = 88 क्या, मिनट। अभी भैया हमने पहले ही मिनट क्यों लगा लिया, क्योंकि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 90 में से 88 क्या, 2 बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2, वो तो 11 से डिवाइड होगा नहीं, तो बस पता चल गया कि अब इससे ज्यादा डिवाइड नहीं होगा, तो यहीं पे मिनट लगा लिया। लेकिन अब जो 2 बचा है वो क्या आ गया, 2/11 मिनट्स, सही है, अरे इसे डिवाइड करके देख लो, 32 × 2/11 आएगा, मिनट का मिनट ही रहेगा, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मिनट क्यों चल रहा है, भाई अभी तो मिनट ही चलेगा, अभी कन्वर्ट ना किया है। लेकिन अब इसको हम लिखेंगे यहां पर 2/11 × 60 सेकंड्स, अब सेकंड्स में तोड़ेंगे तो × 60 फिर करेंगे,
तो सेकंड्स में तोड़ करके बच्चों, तोड़ करके मरोड़ करके कितना 120 अपॉन 11 आ रहा है, 120 अपॉन 11 आ रहा है। डिवाइड करके देखो 11 11 आर 121 होता है और ये आ रहा है 120 अपॉन 11, एक कम है बस। तो करीब करीब 120 अपॉन 11 अगर करते हैं तो कितना आएगा, 10.9 आ जाएगा, 10.9 आ जाएगा क्या सेकंड्स। लेकिन 10.9 क्या लिखोगे उसको अप्रोक्स करके राउंड ऑफ में लिख लेते हैं 11 सेकंड्स, ठीक है। और इसके आगे ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप अप्रोक्स लिख दीजिए, एनसीईआरटी ने भी लिख रखा है, आप इसके आगे अप्रोक्स लिख दीजिए 11 सेकंड्स। तो बेटा ये पूरा का पूरा 6 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं कन्वर्ट हो चुका है, 343 डिग्री 38 मिनट्स और 11 सेकंड्स, क्लियर। तो बच्चों ऐसे करके हम रेडियंस को डिग्री में और डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ मैं इस वीडियो में दो ही एग्जांपल करा रहा हूं ताकि वीडियो लेंथी ना हो। इसका एग्जांपल नंबर 3, 4 और 5 मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।